एंड हाफ डे टॉपिक है ये, लेक्चर्स में ज्यादा लगता है। यस हो सकता है। कर लिया ट्राई आप लोगों ने? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन बोलो। द रेशियो ऑफ एजेस 41, द रेशियो ऑफ एजेस ए एंड बी 4 इयर्स एगो वाज 5:3। ए और बी का जो 4 इयर्स एगो का रेशियो है, प्रेजेंट का नहीं, 4 इयर्स एगो, वो कितना है? ठीक है। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 80 इयर्स। रुक जाओ। ए प्लस बी प्लस सी, तीन लोगों का जो सम है वो 80 इयर्स है। आगे इफ प्रेजेंट एज ऑफ सी इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, सी की जो एज है वो ए प्लस बी के बराबर है। आगे फाइंड द परसेंट एज ऑफ ए। परसेंट नहीं, प्रेजेंट एज ऑफ ए, ए की एज निकालनी है प्रेजेंट। ध्यान से देखो, तीनों का एडिशन 80 है, 80 है, लेकिन ये प्रेजेंट का है, और ये जो रेशियो है ये 4 इयर्स पहले का है। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है ना, तो व्हाट आई कैन डू, यहाँ ए प्लस बी की जगह मैं सी लिख सकता हूँ, यहाँ पर सब्सिट्यूट कर सकता हूँ ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो कितना हो जाएगा, सी प्लस सी इज इक्वल टू 80, 2c इज इक्वल टू 80, c इज इक्वल टू 40। c का कितना आया? 40 आया। अगर c का 40 आ रहा है तो a प्लस बी का कितना होगा? c का 40 आ रहा है, अब इस इक्वेशन में मैं फिर से सब्सिट्यूट करता हूँ, तो a प्लस बी प्लस 40 इज इक्वल टू 80, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 40। a प्लस बी की भी परसेंटेज कितनी है? 40 है एडिशन। अब आपको आपको ये तो मिल गया, ये इनका एडिशन मिल गया, पर ये प्रेजेंट का है, और जो ये रेशियो है ये 4 इयर्स एगो है। तो अगर ये रेशियो 4 इयर्स एगो है तो हमको इसको 4 इयर्स एगो बनाना पड़ेगा। अगर ये रेशियो प्रेजेंट का होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये रेशियो 4 इयर्स एगो, तो इसको भी 4 इयर्स एगो बनाना पड़ेगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू 40 है ना, तो आज अगर दो लोगों की उम्र 40 साल है, एडिशन उनका 40 है, तो उनका चार चार 4 साल पहले कितना हो जाएगा, दोनों के चार चार साल कम होंगे ना, इसका मतलब इसमें से 8 माइनस होंगे। तो अगर इसमें से आप 8 माइनस करोगे तो आप बोलोगे ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना, ये जो एडिशन आया वो कब का आया? 4 इयर्स एगो दोनों का आया। अब आप ये देखो, अगर दो तरीके होते हैं, पर आपको दूसरा वाला सीखना पड़ेगा। यहां पर ये रेशियो है 5:3, रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है। अगर इसको वैल्यू बनाना है तो अपने पास एक सीएफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर, हम उसको एक्स मानेंगे। क्या? तो इसको अगर इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x हो गया और 3x। अब ये एज बन चुकी है, अब ये एज बन चुकी है, तो इन्हीं दोनों का एडिशन कितना है? तो 5x प्लस इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, आपका जो सीएफ है वो कितना आया? 4 आ गया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करवा दूं 5 × 4, तो ए का कितना है? 5 × 4। पूछा किसका एज है? ए का। क्या कब पूछा? प्रेजेंट का। तो 4 साल पहले ए की एज कितनी थी, और आज पता करनी है प्रेजेंट में, तो कितना ऐड करेंगे? 4। तो 20 + 4, ए जो है वो 24 साल का है। कितने का? 24 इयर्स ओल्ड। लिख लो।
क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे इसके बाद। अगर किसी का बोट एंड स्ट्रीम हो गया है तो उसको आना चाहिए, नहीं पता तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 42, कर लिया, देख लिया। किसी का हुआ है बोट एंड स्ट्रीम अभी तक? स्पीड डिस्टेंस टाइम का टॉपिक है ये, उसका सब टॉपिक है ये। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन रीड करना भी रुको। बोलो। The ratio of speed of boat in steel motor to speed of stream is 8:1. 8:1. हाँ। It takes 4 hours of boat to cover 54 km in downstream and 42 in upstream. Find the downstream speed of boat. देखो ये क्या होता है, अभी आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ाया तो मैं समझाऊंगा। मैं इस क्वेश्चन को समझाने में 2 से 3 मिनट लूंगा, बट अगर ये एग्जाम में आएगा तो हार्डली 40 या 30 सेकंड का क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है टॉपिक क्या है, अपस्ट्रीम क्या होती है, डाउनस्ट्रीम क्या होती है। मैं आपको तो भी हल्का इंट्रोडक्शन देता हूँ। हम लोग जब किसी बोट चलाएं, अगर स्टिल वाटर में चलाएं, स्टिल वाटर का मीनिंग क्या होता है, वो पानी जहाँ जो मूव नहीं कर रहा है, जैसे तालाब का पानी होता है, बोटिंग वगैरह होती है आपने देखा है, और बोटिंग होती है तो होनी चाहिए। तो आप वहां गौर करोगे कि अगर आप वहां बोट चला रहे हो तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अगर आप वो खुद से चला रहे हो, इट्स ऑटोमेटिक नहीं है, तो इंजन वाली नहीं है। और यही बोट को अगर उठाकर नदी में रख दिया जाए तो दो इफेक्ट पड़ेंगे इस पर। या फिर तो नदी का डायरेक्शन में चलाओगे तो बोट स्पीड से चलेगी, आपको कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी, और नदी का अपोजिट डायरेक्शन में चलाओगे तो बोट की स्पीड भी कम हो जाएगी और आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इफ समबडी नोज टू स्विम, अगर किसी को तैरना आता है तो उसको पता होगा नदी में कोई तैरा होगा तो रिवर के फ्लो डायरेक्शन में अगर हम तैरते हैं तो तैरने में अच्छा लगता है, बट अपोजिट तैरते हैं तो बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो होता ऐसा है कि अगर मैंने कहा था ना ये पॉन्ड है, तालाब है, इसमें अगर वो बोट है तो अगर कोई आदमी इसको चला रहा है तो उसकी स्पीड है एक्स। इसी को कहा जाता है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, क्या? और ये एक नदी है, ये इस तरफ इस डायरेक्शन में बह रही है, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ करंट। करंट मतलब वो जो धारा बहती है, तो ये वाई है, क्लियर है? अब आप सोचो अगर इस बोट को उठा के मैं इस नदी में रख रहा हूं, है ना, और अगर मैं जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उस डायरेक्शन में चलाने को बोलता हूँ, यानी नदी इस डायरेक्शन में बह रही है तो यानी स्पीड, बोट की स्पीड और नदी की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगे, तो x प्लस वाई को ही डाउनस्ट्रीम कहा जाता है, क्या कहा जाता है? और इसी बोट को मैं अगर उल्टा चलाने को बोलूं, नदी जा रही है ऐसे, मैं चलाने को बोल रहा हूं ऐसे, तो उस केस में होगा x माइनस वाई, और इसको कहते हैं अपस्ट्रीम कहते हैं, क्या? और अगेंस्ट द स्ट्रीम कहते हैं। तो ये कितना हो गया, अपस्ट्रीम क्या हो गया, x माइनस वाई। समझ में आ गया? अब आप ये देखो, अभी फिर से दोनों रेशियो है ना, ये मैंने कहा था कॉमन फैक्टर लगता है इसको वैल्यू बनाने के लिए, तो मैं उसको क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, तो अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर 8 था ना, वो 8x बन गई, अब स्पीड बन गई, और वो दूसरी वाली करंट की स्पीड कितनी हो गई, एक्स हो गई, 1x का मतलब एक्स होता है।
अब आप ये सोचो, ये आपसे कह रहा है कि एक बार बोट ऐसे जाएगी नदी के डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम ऐसे जाएगी, और फिर वो कितना किलोमीटर है 54, और अपस्ट्रीम फिर 42 किलोमीटर है ना, और इस पूरे दरमियान जो उसको समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। तो यहाँ हम लोग जो कंसेप्ट यूज करते हैं, हम लोग करते हैं t1 plus t2 is equal to t, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला सभी ने सुना होगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 का क्या होगा, इसका भी t1 इज इक्वल टू क्या होगा, t1 इज इक्वल टू क्या होगा, आप कह सकते हो ये डाउनस्ट्रीम ले लो और t2 को अपस्ट्रीम कर दो। तो td टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, टाइम डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना था और स्पीड क्या होती डाउनस्ट्रीम की, x प्लस y ना। तो यहां 8x प्लस x कितना 9x, प्लस अपस्ट्रीम कितना है 42, तो 8x माइनस x 7x, और ये मिला के कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स लग रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 6 हो जाएगा, इसको करूंगा तो 6 होगा, ये बनेगा 6 upon x plus 6 upon x is equal to 4, x कॉमन 12 is equal to 4, x is equal to 3, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर कितनी आई है 3, पूछा क्या है डाउनस्ट्रीम पूछा है ना, आपने वो कॉमन फैक्टर था उसकी वैल्यू कितनी निकाल ली, 3 निकाल ली। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, x plus y, तो डाउनस्ट्रीम किधर है, डाउनस्ट्रीम होगा 8x plus x, इसमें वैल्यू रखो 8 into 3 plus 3 कितना हो रहा है 24 plus 3 27 होगा, और डाउनस्ट्रीम पूछेंगे तो 8x minus x यानी कितने 7x, 7 से और 7 3 का 21 आएगा अपस्ट्रीम, ये क्या था डाउनस्ट्रीम। क्लियर है, टॉपिक होने के बाद ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। चलो 43 क्वेश्चन देख लो जिनका हो गया है, थोड़ा जल्दी करना है, 2 घंटे में क्वेश्चन खत्म करने हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, ये आना चाहिए, ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसा मत करो कि अभी जब मैं सॉल्व करने जाऊं तब आप पीडीएफ ओपन कर रहे हो, है ना, क्वेश्चन को रीड कर लेना अच्छे से जब मैं पढ़ाने जा वहां बताने जा रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि अभी तक जो टॉपिक हुए नहीं है वो कैसे हैं,
या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लुक एट द बोर्ड, देख लिया होगा है ना। देखते हैं, क्वेश्चन रीड करो। 60% उसने सैलरी किसको दे दी? मनोज ने वाइफ को। आगे बोलो। एंड इन्वेस्टेड रेस्ट अमाउंट इन म्यूचुअल फंड। बचा हुआ 40% किसमें लगाया? म्यूचुअल फंड में लगाया। आगे बोलो। वाइफ को जो दिया है उसका 30% वो किस पे खर्च कर रही है? ग्रोसरी पे। 20% किराए पे, भाड़े पे दे रही है वो। और जो बच गया 50% उसके पास, उसका उसने क्या किया? 18,000 रुपए का गोल्ड बना लिया। सही है। तो टोटल सैलरी मनोज की कितनी थी? ध्यान रखना कैसे करेंगे। ये तो हमने लिख लिया इन्फॉर्मेशन जो था। मनोज की सैलरी अगर एक्स है, मनोज की एक्स है, अभी आपके बेसिक्स हुए कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन हमको एक बात पता होनी चाहिए कि मनोज अगर 60% अपनी वाइफ को दे रहा है तो ये एक्स को स्टर्म में कैसे लिखेंगे? ये सैलरी किसकी थी एक्स? ये मनोज की। जो 60% दिया गया किसको? उसकी वाइफ को। उसको कैसे लिखा जाएगा, किसी को पता है? ये सीखना, ये सबसे आप यू कैन से इट्स एबीसीडी ऑफ परसेंटेज। तो आप बोलोगे 100 एक्स क्या 100 60/100 ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? जो भी कुछ होगा 60/100 ये किसकी सैलरी होगी? इसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे तो बन जाएगा 3/5 एक्स। ये वो सैलरी है जो मनोज की वाइफ के पास गई। अब इस सैलरी का भी, इस सैलरी का भी 30 और 20 कितना? 50% तो उसने खर्च कर दिया किस पे? ग्रोसरी पर और रेंट पर, और 50% बचा है। तो यानी जो इस सैलरी का 50% बचा है उसको कैसे लिखा जाएगा, है ना? हाँ। तो आपने देखा ये रही उस 3/5x। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं। 3/5x अननेसेसरली माइक को वो अनम्यूट मत कर दिया करो प्लीज। थ्री अपॉन फाइव एक्स है, अब इसका 50% लिखना है। और वो 50%, एक तो 50% उसने किसमें दे दिया? रेंट पे और ग्रोसरी पे। और जिसने उसने गोल्ड बनाया उसकी वैल्यू दी हुई है ना, तो हमको उससे मतलब है। इस तरह के क्वेश्चन में जिसकी वैल्यूज दी जाती है वो परसेंट हम लोग बनाते हैं। किसका बनाएंगे? 18,000 वाला बनाएंगे। अब इसका 50% चला गया और 50 बचा है। 50% के लिए मैं क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 50/100 से। ये चीज कितनी हो गई? तो ये जो आपके सामने चीज लिखी गई है 3/5x × 1/2, ये क्या है? ये वही 50% है जो 18,000 है। ये कितने के बराबर? 18,000 के बराबर। 3 18,000 को कितने टाइम्स? 6,000। 5 2 जा तो x इज इक्वल टू 6,000 × 10, 60,000। कितना? 60,000 है ऑप्शन। क्लियर हुआ? डाउट है किसी को? लिख लो। यहां ध्यान रखना ये मनोज की सैलरी थी, हमने एक्स की वैल्यू तो निकाली ना फाइनली, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की सैलरी थी मनोज की। ये 3/5x किसका? वाइफ को मिला। और 3/5x में भी से भी जो इस पर खर्च किया गया, ये क्या था? गोल्ड ज्वेलरी खरीदने में जो खर्च हुआ वो कितना है इस 3/5x का भी? कितना? 50%, 1/2, है ना? अगर 40% होता, एक मिनट रुको जरा, अगर 40% होता तो यहाँ 1/2 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर रहा था, बताओ आप? अगर 40% बचा होता, ये जो खर्चा हुआ है ना यहाँ पर,
ये 50 की जगह 60% होता अगर, तो इसका मतलब 50-40% उसने किस पे लगाया, गोल्ड खरीदने पे लगाया, तो आप बताओ यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कराया जाएगा। पेपर सॉल्विंग है, राइटिंग वर्क नहीं है ये, समझो चीजों को। आप बताओ किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, नहीं पता किससे? 40/100 मतलब 2/5 है ना, 2/5 से कराएंगे। क्लियर है, लिख लो इसको। फोर्टी फोर्थ पढ़ना है इसके तुरंत बाद। फोर्टी फोर्थ देखते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है 2D का, ठीक है। मेंसुरेशन आपका हुआ नहीं होगा पर बेसिक चीजें आपको पता होंगी, रेक्टेंगल वगैरह तो पता होगा ना। डन, गो थ्रू 44 देख लो। चलो 44 बताओ। एक ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या है? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है 4:7 और ये 4 हो गया। दिखाओ क्वेश्चन क्या है, लेंथ और ब्रेथ, तो ब्रेथ लेंथ तो लंबी होगी ना हमेशा, बनाने वाले ने गलत लिख दिया है, ठीक है कर लो, लेंथ हमेशा लंबी ही होती है। हाँ। पर ये ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक पेरिमीटर इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पेरिमीटर कितना है? फाइंड द एरिया पूछा है अपने से। हाँ। ध्यान दो, ये सब चीजें करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, पेरिमीटर क्या होता है पता है? बताओ फिर क्या होता है। हाँ क्या, यू आर राइट, टेल मी। That is called addition of boundaries. क्या सारी length कितनी है? एक बार length यहाँ है, एक बार length यहाँ है, एक बार breadth यहाँ, एक बार breadth यहाँ है। तो perimeter क्या होता है? 2L plus 2B. तो अगर perimeter को आप लिखोगे 2L plus 2B, तो 2 common लूंगा, अंदर क्या बचेगा? तो perimeter होता है 2 bracket के अंदर L plus B. और area क्या होता है? L into B. ये तो हम सबने पढ़ा है ना स्कूल डेज में। अब जो रेशियो है वो तो है 4:7,
भाई रेशियो को तो वैल्यू बनाना पड़ेगा ना, तो किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, और एक्स क्या कॉमन फैक्टर है, एक्स की वैल्यू निकालो फिर आंसर आ जाएगा। तो इसको बना दूंगा मैं 4x और इसको बना दूंगा मैं 7x, 4x और 7x हो जाएगा। नाउ यहां ध्यान दो, 4x और 7x हो जाएगा, अपने को यहाँ सब्सिट्यूट करना है। पेरीमीटर कितना बोला इज इक्वल टू 2, ये कितना है ठीक है, ये 288 को कितने बार 40, 7 और 4 कितना 11, इसको x की वैल्यू कितनी यहाँ सब, तो एक तो अपना क्या बना था 7x था, तो ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 28। एरिया पूछा है ना, एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी, इसका मतलब 16 इंटू 48, 28 कितना होगा 16 इंटू 28 448 है ऑप्शन, यही आंसर है इसका। क्लियर हुआ? इसके बाद जिसका हो जाए 45th क्वेश्चन को देखना है, देखना है मतलब पढ़ना है। देख लो, ये मेंसुरेशन 2D का फॉर्मूला है, हम सभी ने स्कूल डेज में सर्कल पढ़ा हुआ है। कोई ऐसा है जिसने सर्कल ना पढ़ा हो तो मुझे बता दे, एनीवन एनी स्टूडेंट, नाउ सर्कल पढ़ने का मतलब आपको सर्कल के बारे में दो चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हम रेक्टेंगल का भी एक चीज देख रहे थे, रेक्टेंगल का एरिया क्या था एल इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया था, आगे हो जाओ, रेक्टेंगल का एरिया था एल इंटू बी, ऐसे ही सर्कल का एरिया भी आपको पता होना चाहिए, सबको फॉर्मूला पता होता है। और सर्कल के जो पेरीमीटर होता है ना उसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, सर्कल के पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अगर आपका मीडियम मराठी या हिंदी था तो शायद टर्मिनोलॉजी अलग होगी। तुम्हारा क्या था, क्या कहते हैं सर्कल के एरिया को, परिधि, व्हाटएवर, हाँ। तो आप अब देखो, अब थोड़े से आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी तो सीखनी पड़ेगी, ऐसे बिना उसके तो काम चलने नहीं वाला। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, मैं बताता हूँ जब ये चैप्टर मैं कराऊंगा। वैसे कुछ दिन पहले मैंने ये चैप्टर कराया है, फॉर्मूले ऑफ मेंसुरेशन, सारे फॉर्मूले करवा दिए थे मैंने, आप लोग देख लेना उसको, जिसमें 2D 3D फॉर्मूले कैसे बनते हैं,
ऑलमोस्ट मैंने 60 फॉर्मूले या 58 करवाए थे, आप उसको देख लेना, नहीं तो जब स्टार्ट होगा तो फिर से मैं एक बार फॉर्मूले लूंगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब सर्कल है तो सर्कल क्या, सर्कल ये इसका रेडियस होता है, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, एरिया जो होता है सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई का वैल्यू होता है 22.7 या 3.14 होता है। अब आपको क्या करना है, आपसे क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन क्या दिया गया, रेडियस ऑफ सर्कल इज 14, कोई रेडियस है, कोई सर्कल है उसका रेडियस कितना है, हाँ उसका जो रेडियस है वो डेढ़ गुना है, कितना है 1.5 टाइम्स है, तो हम एक सर्कल और देख लेते हैं, अगर ऐसा एक सर्कल है कितना है वो, उसका 14 का 1.5 कितना हो जाएगा 21, 14 इंटू 1.5 करो तो क्या आएगा 21 आएगा ना, उसी का आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है ना, वापस पढ़ो क्या पूछा है, इसका आपको एरिया पूछा है, तो इसके में सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन, एरिया इज इक्वल टू 22/7, इसका आर कितना है इनटू ये इसको तीन बार, ये कितना 66 इनटू 21 तो 660 20 बार कर लो 600 1200 1320 1326 है या कुछ और है, हां 66 है, सॉरी 66 ना 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 66 है ना, हां 1326 था क्या, अरे 1360 26 कितना 1360 26 1386 1386। देखो ऐसे करोगे आप समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, आप अगर एक मिनट, आप लोग ऐसे करते हो ना 1 6 6 1 6 6 करते ना आप उनको अब ऐसे करना थोड़ा सा कम करो, और आपको तो करना क्या होता है, आपने अगर 66 into 21 करना है, क्या करना है तो आप उसको सी वक्त 20 समझो, कितना समझोगे 20 समझोगे, तो 20 का मतलब पता क्या होता है, 20 का मतलब होता है एक बार 10 into 2, क्या 10 into 2 का मतलब होता है, पहले आप 66 का 10 करोगे तो 660 आएगा, 660 का जैसे डबल करेंगे 1320 बनेगा कितना, और एक तो एक हमने तब तो 20 लिया था ना, अभी एक और 66 बाकी है वो इसमें जैसे जोड़ता है तो हम लोग कहते हैं 1386। तो आपको ये वाली कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, ये भी करते हैं जब तक आप इसमें अगर परफेक्ट हो तो इसे कर लो, अदरवाइज इसको फॉलो करो। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये मेंसुरेशन का 2D का सर्कल का क्वेश्चन था, ओके। डन, कौन सा क्वेश्चन था ये, हाँ तो अभी आप लोग करोगे, अब मैं शुरू कर रहा हूँ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये होगा 46, कौन सा, आप लोगों ने स्कूल डेज में एलजेब्रा थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी, क्वाड्रेटिक हम रूट्स निकालते थे, एक तो इक्वेशन होती थी जिसमें होता था जैसे 6x + 3y = 8, जिसमें x और y होते थे, हम उनको कहते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कितने थे, दो थे, x और y, चुप रहो तुम लोग, x और y, और यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसमें जो वेरिएबल तो एक ही है, x ही रहेगा, बट उसकी जो डिग्री होगी, डिग्री मतलब उसकी जो पावर होगी वो 2 हो जाती है, देख रहे हो ना, हम लोग कभी भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं उसको लिखने का तरीका होता है ax² + bx + c,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब अगर कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको बनाना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं कहाँ, उनका एडिशन यहाँ आना चाहिए और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। जब तक मैं इक्वेशन नहीं दूंगा आपको बात समझ में नहीं आएगी। एक पहला 46 क्वेश्चन का फर्स्ट बोलो, अगर मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, मैंने ये कहा आप यहाँ एक्स स्क्वायर देख रहे हो, इसके सामने कोई नंबर लिखा है क्या, मतलब वन है इसके सामने, क्या है इसका मतलब यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, वन है, यहाँ सी कितना है आपका, 12 है, और ये जो b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस सेवन। आपको एक्चुअल में यहाँ क्या करना है, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी आ रहा है वहां ऐसा नंबर दो ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर यहां आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर वहां आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये 12 है ना, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 है ना, तो मैं 4 3 का कितना होता है 12 होता है, और 4 और 3 कितना होता है 7 होता है, लेकिन माइनस है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको तो इसको अलग ढंग से करना सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स टाइम, आपको समझने में थोड़ा टाइम जाएगा, अभी तो मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं उस चीज को नहीं बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। तो x कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4 है ना, और माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 4, ठीक है, मोबाइल भी उठा लो। मुझे लग रहा है क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखना, ये दोनों हमेशा सेम हो जाने चाहिए, क्या हो जाने चाहिए, तो आप सही कर रहे हो, ये सेम हो रहे हैं ना, x माइनस 4 x माइनस 4, तो इसका एक बनेगा x माइनस 3 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल टू, इसका मतलब पता है क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है x माइनस 3 भी कितने के बराबर, 0 के बराबर, और x प्लस 4 भी कितने के बराबर, सॉरी x माइनस 4 कितने के बराबर, 0 के बराबर। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना, 3, और x इज इक्वल टू कितना, 4। तो आप लिख लो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू एक वैल्यू आई 3, एक आई 4, ठीक है। अब हम लोग दूसरी वाली इक्वेशन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, अगर किसी ने कभी नहीं पढ़ा है तो वो चीज मैं बता रहा हूँ, जिसने पढ़ा है वो जानता ही होगा इसको, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको अनदर वे से बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। दूसरी क्वेश्चन बोलो, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12। अब यहां पर भी देखो, यहां कुछ ऐसा, यहां 1 है ना, यहां कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 12 आए, और जोड़ने पे कितना आए, 8 आए, 6 टू 12 है ना, 6 12 होता है, और 6 और 2 को जोड़ दो तो 8 बनेगा, लेकिन माइनस का ख्याल रखना है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको बाद में लिखेंगे। मैं यहां से कितना कॉमन लूंगा, y माइनस 6, यहां से कितना कॉमन लूंगा, 2 y माइनस 6, देखो दोनों में सेम हो गया कि नहीं, मतलब सही किया है, y माइनस 2 और दैट इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी, 2 और 6। अब हमें कंपैरिजन करना है, जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है, क्वेश्चन का मेन पार्ट मोबाइल नंबर, जिसमें लिखा है कि 5 कंडीशन है, ए बी सी डी ई, अगर एक्स बड़ा होगा, यहाँ कंडीशंस देख लो, विजिबल है, यहाँ देख लो, यहाँ इसमें है, पहला बोल रहे हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दूसरा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, फिर है y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, और चौथा है भाई कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। नाउ ध्यान से देखना, हमारी एक x की वैल्यू 3 है, तो क्या 3 2 से बड़ा है, हाँ 3 6 से बड़ा है, नहीं है ना, तो गड़बड़ वाली बात हो रही है, एक्स का रिलेशन नहीं बन पा रहा है,
एक तरफ एक्स तो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, एक तरफ एक्स छोटा हो रहा है, तो यहाँ तो नहीं हो पा रहा है। इसको भी चेक कर लो, फोर टू से बड़ा है और फोर सिक्स से छोटा है, तो यहाँ एक बार बड़ा हो रहा है और एक बार छोटा हो रहा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? रिलेशन कैनॉट बी एस्टैब्लिश। ओके, तो अभी आप इसको लिख लो और अगले क्वेश्चन जो है ना उसके रूट्स आप फाइंड करो, अगले क्वेश्चन के रूट्स फाइंड करो। अगला क्वेश्चन पहले लिख लो उसको डिटेल में। चलो इसके रूट्स निकालो आप लोग जल्दी से। x is less than equal to y। रूट्स क्या है? y less than equal to x। y less than equal to x नहीं है, y x less than equal to कितना है? x छोटा है ना? हाँ ये जो भी कर रहे हो y is greater than equal to x हो जाएगा ना, जब x y is greater than equal to x हो जाएगा। पहले तो roots find करो। चलो बोर्ड पे देखो, आई डोंट नो क्या आया आपका। x का इक्वेशन बोलो। 2x square plus x minus 28 और y का
यहाँ मल्टीप्लीकेशन कितना बनना चाहिए 56 और ऐड करने पे क्या आना चाहिए ऐड या प्लस या माइनस करने पे 1 आना चाहिए है ना। तो अपने को क्या नंबर होंगे वो 8 7 आपने निकाला था फैक्टर्स। देखो अगर आपको ये कैसे निकालना है आप इसके लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो ऐसे कर लिया करो 56 को आप एक बार 2 से कराओ कितना आएगा 28 है ना। फिर आप डायरेक्टली 4 से कराते तो कितना आता 14 आता है ना। तो 2 से कराओ तो कितना आएगा 7 आएगा। तो यहीं से आपको हिंट मिलेगा कैसे होगा 4 2 का कितना और 8 और 7 87 से 56 बन रहा है 8 और 8 में से 7 गए तो 1 बचेगा ही बचेगा। तो ये ऐसे आप कर सकते हो। अभी हम लोग इसको लिखेंगे कहते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को किया जाएगा तभी तो प्लस x आएगा ना। दैट इज इक्वल टू सॉरी माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आएगा 2x अंदर क्या बचेगा x प्लस 4 माइनस इसमें से क्या कॉमन आएगा अंदर क्या बचेगा x प्लस 4। तो एक बना आपका 2x माइनस 7 और एक बना x प्लस 4। तो एक की वैल्यू x की वैल्यू आई 7/2 और एक आया माइनस 4 समझना है। एक वैल्यू 7/2 और एक वैल्यू माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन रहा है फैक्टर क्या आ रहे हैं 56 इंटू 2 112 और 16 and 7 ठीक है। तो 2y² माइनस 16y माइनस 7y प्लस 56 इक्वल टू 0 क्या कॉमन आएगा अंदर क्या बचेगा y माइनस 8 और यहाँ माइनस 7 कॉमन y माइनस 8 तो यहाँ बचा 2y माइनस 7 और यहाँ y माइनस 8 y इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू 8। अब कंपेयर कर लो इससे कंपेयर करेंगे बोर्ड पे देखो यहाँ y की वैल्यू पहली वैल्यू कितनी है 7/2 बराबर हो रहा है 7/2 माइनस 4। अच्छा नंबर लाइन भी सिखा देता हूँ आपको मैं ये नंबर लाइन देखी होगी इस तरफ रहते हैं पॉजिटिव यानी ये 0 है ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 इधर रहेगा -1 इधर रहेगा -2 -3 -4। आप सब जानते हो इधर तो हम लोग दुनिया में इसमें जी रहे हैं कौन सी वाली ये वर्ल्ड में 0 के इस तरफ वाली यहाँ आप लोगों को पता है 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है पक्का ना 5 इज बिग। बट जैसे हम इधर जाते हैं उल्टा हो जाएगा यहाँ पर आप देख रहे हो -1 इज ग्रेटर देन -2 जो 0 के पास होगा ना नेगेटिव में वो बड़ा हो जाता है। तो ये समझ गए होगे आप वापस आए तो y भाई इससे तो बराबर हो गया इस वैल्यू के पर 7/2 -4 से बड़ा ही होगा। एक्चुअली 7/2 का मतलब पता है क्या 3.5 एक तो ये पॉजिटिव है तो वैसे ही बड़ा हो गया पॉजिटिव तो नेगेटिव नंबर से वैसे ही बड़ा होना है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला एक कंक्लूजन हमारा निकल गया कि अभी तक जो सिचुएशन चल रही है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब दूसरी वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी ये 8 है यहाँ कितना है ये 3.5 है ना 8 बड़ा है कि 3.5 बड़ा है तो यहाँ बड़ा हो गया यहाँ 8 है और -4 से 8 बड़ा फिर से बड़ा हो गया तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन में भी बड़ा हो गया तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x हो गया।
ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 48 और 49 जल्दी करेंगे आप लोग. 48 देन 49. पहले तो रूट बताना है, फिर रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. 48 का क्या कहते हैं, अच्छा 48 का क्या रूट्स आए आपके? तो रूट्स आ गए आप लोगों के. कितना है आपका रूट्स 48 का फर्स्ट बताओ, मुझे बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है. 60 और क्या है? यस नहीं निकला तो सुनो जरा, 120 का फैक्टर करो जैसे मैंने बताया था. 120 लिखो है ना, तो उसमें आप एक काम करो, सबसे बड़ा नंबर लो, उससे भी बड़ा हो सकता है ना, 10 हो सकता है, 10 से भी बड़ा क्या हो सकता है, 15 हो सकता है ना, 15 से इसको डिवाइड करवाओ. कितने टाइम्स? 8 टाइम्स जाएगा ना, है ना. तो आपके सामने दो फैक्टर आए 15 और, मिला कि नहीं, उनको एडजस्ट करोगे तो वहां बन रहा है ना. सिमिलरली इसका बताओ, सेकंड इक्वेशन का क्या बना? वो तो बहुत इजी है, माइनस का है ना. क्या है क्वेश्चन ये बताओ जरा, 48 का वाई का रूट क्या बने? जीरो पॉइंट में नहीं जाना है इसमें, माइनस वन बाई थ्री और माइनस फोर बनेगा. दोनों के मैं रूट्स बता देता हूँ, सॉल्व आप लोगों को करना है. 49 का भी अभी तुरंत करते हैं, या 49 का आप लोगों ने कर लिया होगा रूट्स, अभी वो टाइम चला जाएगा, बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे फिर हम लोग, है ना. इसके लिए देखो जल्दी से. ऑनलाइन किसी को ये पूछना है कि रूट्स कैसे निकालने हैं तो पूछो, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रूट्स. एक बार और बता रहा हूँ 48 नंबर क्वेश्चन को. 48 का इक्वेशन बोलो, 2x2 7x - 6 - 50 और y की
2 into 60 यहाँ बन रहा था 120, कैसे तो भी 120 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर कितना 7 आना चाहिए, तो मैंने बताया 15 और 8 बनेगा ना, तो हाउ आई कैन राइट 2x² - 8x, मुझे माइनस का निशान चाहिए यहाँ, तो मैं यहाँ बड़ा नंबर रखूंगा, -8x + 7x, सॉरी कितना था ये, -8x कर रहा हूँ मैं, 15 और 8 था ना, 15x + -16 = 0, इसमें से क्या कॉमन आएगा x, तो अंदर क्या बचेगा 2x - 15, है ना, और बराबर है, कुछ गड़बड़ कर देखिएगा, बराबर है ना, माइनस इसमें से क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, है ना, तो यहाँ क्या बचेगा 2x - 15 = 0, देखो दोनों में सेम आ रहा है ना, तो अभी होगा x - 4 और 2x - 15, तो x की एक वैल्यू कितनी आई 4 और एक वैल्यू कितनी आई 15/2, यही आई थी 15/2 और 8/4 आई ना, y को देख लो, ये तो बहुत इजी है, 3×4=12 है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन से कितना आना चाहिए 12, और एडिशन करके कितना आना चाहिए 13, इसका 12+1 होगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 3y² + 12y + y + 4 = 0, 3y कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा y प्लस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 4, तो आपका एक बना 3y + 1 और एक बना y प्लस 4, तो y = -1/3 और y = -4, चेक कर लो, देखो x की वैल्यू 4 वो इससे बड़ी है ना, x की वैल्यू उससे ही बड़ी है, 15/2 ये भी इससे बड़ा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, which is greater than x is greater than y बना, क्लियर हुआ, नाउ ये इसके आगे आप मुझे सिर्फ रूट बताओगे और जल्दी करोगे, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा, 49 और 50 यू विल टेल, यहाँ पर थोड़ा ये इसकी वैल्यू -4 हो जाएगी ना, अब जरा चेक कर लो, फिर ये रिलेशन नहीं बनेगा, रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा, ठीक है, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, ओके 49 का रूट और 50 का रूट, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखा जाएगा, फोर मिनट्स बाद हम लोग नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
2 minutes left. इसके हुए रूट फैक्टर बने कि नहीं 49 के क्या है पहले x के बराबर है और y के 13 और -9 -13 +9 हाँ चार डिफरेंस आएगा ना 4 डिफरेंस आएगा ठीक है सो ऑनलाइन कंफर्म करो रूट्स हो गए तो नेक्स्ट स्टार्ट करें हम लोग क्या है क्वेश्चन हाँ तो इसमें क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 50 वाला देख लो दोनों आएगा प्लस नाइन और माइनस नाइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है इसका मतलब एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस नाइन एक बार प्लस नाइन एक बार माइनस नाइन दूसरा बोलो वाई माइनस होल स्क्वायर जीरो ध्यान से देखना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना स्क्वायर रूट दोनों साइड कर दो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट किया तो ये हो गया वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो तो वाई इज इक्वल टू कितना नाइन बस एक की वैल्यू वाई की कितनी वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू तो क्यूब रूट कहां पर तो ये सॉल्व नहीं हो पाता क्यूब में प्लस माइनस नहीं हो पॉसिबल है क्यूब मतलब तीन बार होगा है ना क्यूब मतलब तीन बार होगा मल्टीप्लिकेशन तो वहां तो अगर प्लस भी होगा तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस होगा तो माइनस प्लस माइनस फिर हो जाएगा तो वैसा नहीं हो पाएगा ये टू के लिए सिर्फ स्क्वायर के लिए पॉसिबल है प्लस माइनस फाइव क्लियर हुआ अब यहाँ तो वाई की एक वैल्यू आ गई है तो नाइन नाइन एक बार माइनस नाइन से बड़ा भी है यानी वाई एक बार बड़ा भी है और वाई एक बार बराबर भी है ना तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स क्वेश्चन नंबर 50 का लिख लिया आप लोगों ने चलो इसको रब करते हैं नए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम करेंगे अप्रोक्सीमेशन क्या अप्रोक्सीमेशन कौन सा नंबर से 61 से है ना आप लोग क्वेश्चन नंबर 61 को एक बार देख लो बहुत इजी होता है कुछ ज्यादा उसमें वो नहीं है
सॉल्व करें, पहले का आंसर आया क्या आप लोगों का? सर फिर सॉल्व करेंगे, अगर कोई वैल्यू 1.4 है तो क्या कंसीडर करेंगे? 1. अगर 1.5 से बियॉन्ड है तो क्या कंसीडर की जाएगी? 2. समझ रहे हो आप? 10.23 है, क्या कंसीडर करेंगे बोलो? 10. मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है, आप ही को बोलना है, आप बोलो। तो अभी थोड़ी देर पहले तो बताया, तभी तो क्वेश्चन पूछ लिया मैंने कि आप लोगों का ध्यान ही नहीं है, आपने सुना? आपने सुना? इसलिए थोड़ा अटेंटिव रहो, लिखने का काम मत करो, सिर्फ यहाँ जो लिखा कॉपी, यहाँ जो लिखा कॉपी, एग्जाम में कॉपी करने वो कुछ तो खुद से करना पड़ेगा ना, क्लियर हुआ कि नहीं? अब फिर से सुन लो, अगर 1.4 है तो ये क्या कंसीडर होगा? 1 होगा। 5 से नीचे की वैल्यू उसी नंबर पे चली जाएगी, और 5 या 5 से बियॉन्ड वैल्यू 6, 7, 8, 9 अगला नंबर हो जाएगा वो। तो अगर ये 1.5 होगा तो ये 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। क्लियर हो रहा है? 10.23 है ना, तो 10.2 को देखो सिर्फ, तो ये कितना 10 ही रहेगा। लेकिन अब ये 10.63 होता तो क्या होता? 11 हो जाता। इतनी सी बात समझनी है इसको सॉल्व करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बोर्ड पे देखो, अगला क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो यही वाला, रुको मुझे दे दो मैं लिख दूंगा। 111.01 प्लस 41.23 प्लस 4.96 का स्क्वायर प्लस 2.09 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पूछा क्या है? देखो, लुक एट द बोर्ड, ये 111.01 है ना, ये बनेगा 111 सिर्फ, प्लस 41.23 सिर्फ 41, प्लस ये 4.96 5 हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 2.09 ये 2 ही हो रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 हो गया। अभी 111 और 41 कितने हो गए? 152 ना, एक साथ ही जोड़ दो इनको, ऐसे ऐसे करके जोड़ दो, 5, 4, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 6, 7, 8। ऑप्शन कौन सा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आप लोग ट्राई करेंगे, इससे अगला और उससे अगला, ये कौन सा 61 था, 62 एंड 63।
62 का आंसर क्या है? नहीं आया अभी तक. 62 का नहीं आया. क्या है क्वेश्चन 62? अच्छा इसमें ऐसा डाल दिया. ठीक है करते हैं. अब 62 बताता हूं मैं आप लोगों को. सब लोग 62 ट्राई कर लो. क्यों नहीं आया देख लो उसको. देख लिया सबने. क्वेश्चन दिखाओ जरा. ये इसको रोको ना जरा. हंड्रेड एंड नाइन पॉइंट जीरो सेवन रूट क्वेश्चन मार्क है. -61 अपॉन 21.02 इनटू क्वेश्चन मार्क है एंड दैट इज इक्वल टू कितना बता रहा है 47.96 रूट. मैं इस सारे रूट को एक्स से रिप्लेस कर देता हूं. वैसे भी ये क्वेश्चन सही नहीं है. इसको ऐसे कर देते हैं. इसको ऐसे कर देते हैं. इसको 109.07 क्या कंसीडर किया जाएगा? गुड, क्योंकि 5 से लेस हो रहा है. तो ये 109 इसको हम लिख देंगे 109 रूट एक्स. सही है. ये है -61. ये क्या हो जाएगा? अपॉन 21 और सिर्फ एक्स है. ओनली एक्स इज इक्वल टू 47.96. क्या हो जाएगा? 48 रूट एक्स. ध्यान देना. अभी व्हाट यू विल डू, अब आप पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करो? रूट एक्स से. कितने? किससे? रूट एक्स से. तो ये 21 यहाँ जाएगा तो कितना होगा? 21 इंटू 109 रूट एक्स माइनस 61x इज इक्वल टू 48 इंटू 21 रूट एक्स. ठीक है. अब आप क्या करो, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ ले लो. इसको जरा करो सॉल्व. कितना हो रहा है? 21 इंटू 109. सॉल्व करके बताओ जल्दी. और कोई ये करो फिर. हाँ एग्जैक्ट है कि नहीं? कितना? 2289 का रूट एक्स. अच्छा इसको यहाँ यहाँ इसको भी सॉल्व कर लो. 960 या 960 में 48 जोड़ दो. 960 और 48 10 1008 है ना. तो -1008 रूट एक्स इज इक्वल टू इसको यहाँ भेज दो 61x. 2289 में से 1008 हटाओ. 9 में से 8 गए. 1281 रूट एक्स इज इक्वल टू 61x. ध्यान से देखना. अगर कहीं ऐसा लिखा है हमेशा a इज इक्वल टू क्या होगा? रूट ए इंटू रूट ए होता है. रूट ए इंटू रूट ए हमेशा क्या होता है? a होता है. रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है? x होता है. अगर आपके सामने कभी 2 भी लिखा है तो आप उसको तोड़ के कैसे लिखोगे? रूट टू इंटू रूट टू. अगर आपके सामने कहीं 2 लिखा है तो आप उसको कैसे लिखोगे? रूट टू इंटू 3 लिखा है तो आप उसको कैसे लिखोगे? रूट थ्री इंटू रूट थ्री. सिमिलरली अगर ये जो रूट एक्स है, पहले तो काम करो इसका झंझट खत्म करो. किसका? 61 से 281 को डिवाइड करवाओ. कितना आता है बताओ? देखो कितनी बार जा रहा है. 61 डिवाइड करवाओ. अरे एक हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है.
से डायरेक्ट माइनस, अरे डायरेक्ट देखो ना यहाँ हमने क्यों उसको किया बढ़ा दिया बेवजह, ये तो यहाँ वैसे ही हो रहा है ना, इसको यहाँ भेजो ना 48, ये हो जाएगा 109 रूट एक्स माइनस 48 रूट एक्स इक्वल टू 61 बाय 21 एक्स, ये 109 में से 48 गया कितना बच रहा है 61 रूट एक्स इक्वल टू 61 बाय 21 एक्स, 61 से 21 एक्स कट गए, अब ध्यान देना सिर्फ बच रहा है रूट एक्स इज इक्वल टू, इस एक्स को मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स इंटू अपॉन रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, आपके सामने फाइनल बच रहा है रूट एक्स इज इक्वल टू 21, पर हमको तो एक्स की वैल्यू बतानी है ना, तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो एक्स रूट एक्स इंटू रूट एक्स जो यहाँ बताया था एक्स इज इक्वल टू 441 है। हाँ कौन सा नंबर था 62 63 करना है 64 भी करना है जल्दी से, ये कंप्लीट करो विद इन 4 to 5 मिनट्स बचे हुए। चलो जल्दी हो गया क्या, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अरिथमेटिक के, ये जल्दी खत्म कर दो और कंफर्म करो हो गया।
नाउ शुरू करते हैं अभी, जस्ट अ मिनट, वो मीठी कम बनाता है, मीठी कम बनाता है, मीठी मीठी कम होती है ना, मीठी कम होती है। तो एक दिन लाया था, ऐसा लग रहा था कि मेरे में डाल दी थी उसने शक्कर ऐसी। चलो अभी करेंगे 66 से 70, 65 क्या बताना है मुझे, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है वैसे अपने को अभी, हाँ बताना है। आप लोग लिख लो, मैं ऐसे ही बता देता हूँ उसको, इसको वर्कआउट करना, किसको 65th को 65.56 क्या हो जाएगा, सभी लोग ऑनलाइन भी 65.56, मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ कौन सा है ये, अरे मैं क्या पढ़ रहा हूँ पता है, 65.56 वो नहीं है, 65th क्वेश्चन जो है वो है 56.08%, है ना, तो 56.08 को आपको क्या लिखना है, 56/100 परसेंट को हटा दो, आप लिखते चलो सॉल्व कर लेना बाद में, 56/100% को मैंने रिमूव कर दिया, 0.08 की वजह से 56 ही रहा, तो 56/100 इनटू ऑफ आ रहा है ना, इनटू ओवर द 149.92 है तो 150 होगा, प्लस अंदर जो 28.02 28 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, रूट के अंदर 28 × 7 हो जाएगा, माइनस वो जो 11/9% है उसका मतलब पता है क्या होता है, 100/ लो मैं करवा ही दो, इतना बताने में टाइम लग रहा है, देख लो इधर वो दो क्वेश्चन दो, मैं बोला आपको कि 56.08% था, एक बार क्वेश्चन लिख लो मैं, 56.08% of 149.92 plus 28.02 into 6.98 का रूट है, minus 11/9% of 998.9, इसका वैल्यू पूछा है ना, चलो आप लोग बात मत करो, बोर्ड पे देखो 56.8 मतलब ये चीज सिर्फ 56 थी, परसेंट को रिमूव किया 56/100, इस ऑफ की जगह क्या मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह हमेशा मल्टीप्लाई आता है, ये हो गया आपका प्लस ये चीज होगी आपकी 28 × 7 माइनस ये 11/9 क्या होता है देख लो, 11/9 ये एक्चुअली आपसे पूछ रहा है 100/9% कितना पूछ रहा है, तो इस परसेंट के निशान को हटाऊंगा तो नीचे 100 और आ जाएगा, एक्चुअली वो 1/9 बनेगा बाद में, इनटू कितना 998.9 है तो ये 999, अब ध्यान से देखो ये एक जीरो गया, आप यहां देखो बोर्ड पर ये 3 टाइम्स ये 2 टाइम्स 2 56 को कितना 28 × 3 बन रहा है इधर, प्लस ये 28 × 7 है ना, ये 7 × 4 लिख दूं है ना, और 4 का मतलब 2 × 2 तो 2 × 7 का कितना बनेगा 1 × 7, 2 × 2 का कितना बनेगा 1, यानी 7 × 2 = 14 होगा, माइनस डायरेक्ट 14 ही लिख देते हैं, माइनस ये 100 से 100 कटा, 9 से कितनी बार 111 कितना हो गया 111, 28 × 3 कितना होता है 28 20 20 60 60 और 84 प्लस 14 − 111 84 और कितना 94 और जो 98 98 में से 111 हटाओ, माइनस 13 आंसर है क्या, देखो माइनस 13 इज द, ठीक है
लिखो जल्दी से, फिर अगला वो करते हैं। हाँ एक बात, आप लोग सोच रहे होंगे अरे इस क्वेश्चन में तो 1.5 से 2 मिनट लग रहे हैं, मैं अगर एग्जाम देने जाऊंगा, एक तो पहली बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार समझा रहा हूँ, है ना, कोई मेरी बातें सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है, किसी को डबल बार बताना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज टेकिंग टाइम 2 मिनट्स। एग्जाम में जब आप करते हो तो आप ओवर राइटिंग नहीं लिखते हो, ओवर राइटिंग समझ रहे हो आप, ये सब नहीं, एक ही स्टेप में पूरा क्वेश्चन खत्म करेंगे हम, यही समझ जाएंगे ये चीज कितनी बन रही है 84, इसको यहीं का यहीं 84 करते हैं, ये तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैंने 4 स्टेप लिखे। एग्जाम में तो डायरेक्ट इसको क्या लिखा जाएगा, वहीं का 84, इसको डायरेक्ट लिखा जाएगा 14, इसको डायरेक्ट यहीं से 2 स्टेप में आंसर, या 3 स्टेप में आंसर कितना 13। क्लियर हो गया कि नहीं? बट वेन यू आर प्रैक्टिसिंग यू शुड राइट मोर, आपको डिटेल में लिखना चाहिए क्योंकि आप उसी से समझ पाओगे, पर ड्यूरिंग एग्जाम आपको मिनिमम लिखना है, ठीक है? लिख लो और इसके बाद हम लोग करेंगे ये, वो कौन से 5 क्वेश्चन और हैं वो एक साथ आते हैं, तो नीचे वाले उसी के DI है, क्या है DIA शायद, ये 66 से 70 देख लेते हैं, 66 से 70। एक बार आप 66 को पूरा रीड कर लो, 66 का जो वो पैराग्राफ है ना उसको रीड कर लो DI का। रुक जाओ पहले सबको साथ लेके कर लूं मैं, 52 पे कौन सा क्या है, 52 देखेंगे उसको, मुझे भी सॉल्व करना पड़ जाएगा ना। इसमें क्या बात है 52 में, 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन निकालो सिटी ए का, सिटी ए का 490 का 3:4 क्या होता है, 7 बनता है, 7 70 लड़कियां, ये 210 हैं और 280 हैं, जो नॉट ग्रेजुएट ना, देख के बताऊंगा मैं, अभी ऐसा गलत नहीं बता सकता, पढ़ना पड़े मुझे भी, कैलकुलेट करना पड़ जाएगा ना। आप लोगों ने सबने 66 देख लिया क्या, 66 का जो पैराग्राफ है, देयर इज अ हॉस्टल वाला, देयर आर 4 हॉस्टल्स, ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो, वी हैव ओनली 15 मिनट्स, ओके? मैं 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कराऊंगा उसे पूरे सॉल्व हो जाएंगे। जस्ट गो थ्रू द होल पैराग्राफ बिकॉज अभी मैं दूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली लिखने वाले हैं हम। चलो पढ़ लिया, उसको बनाना पड़ेगा टेबल को, विल हैव टू मेक दैट टेबल फर्स्ट, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कराएं, अगर टेबल सही नहीं बनी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन बोलो, हाँ दे दो मुझे। देर आर 4 हॉस्टल ABCD, ABCD जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं, है ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ बॉयज
गर्ल्स. नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए, नंबर ऑफ बॉयज आर 120, लड़के कितने इसमें? रुक जाओ जरा, यहां सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को. इन अ हॉस्टल ए नंबर ऑफ बॉयज 120, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 30% मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल बी. अब यहां ध्यान देना, हॉस्टल बी में जो लड़कियों को मैं एक्स मानता हूं, कितना X. और यहां की लड़कियां उनसे 30% ज्यादा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो मैं यहां लिखूंगा 130/100x, या इसको मैं लिख सकता हूं 13/10x, है ना. तो द नंबर ऑफ बॉयज आर, अब हॉस्टल बी की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ बॉयज आर डबल देन दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स. तो यहां लड़कियां एक्स थी, लड़के कितने हो जाएंगे? 2x हो गए. इन हॉस्टल सी नंबर ऑफ बॉयज आर 100 मोर देन दैट ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए. यहां 120 से वहां से जाता हूं, यहां 220 हो गए लड़के, है ना, 100 ज्यादा है, 100 ज्यादा है. एंड टोटल बॉयज और लड़के लड़कियां मिला के 1000 हैं, तो आप 1000 में से कितना माइनस कर दो, 220 माइनस कर दो, कितना आया? लड़कियां 780 हो गई. बोर्ड पे देखते रहो, बोर्ड पे बाद में लिख लेना. और फिर आगे डी का बोला उन्होंने, नंबर ऑफ बॉयज इज 182 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए. यहां से 182 लड़के ज्यादा हैं, यानी 302, 302 बनेंगे, ठीक है. एंड क्या बोला है, एंड वही रख दो. अच्छा तो फिर जाओ जाओ, तुम बहुत स्लो मोशन में चल रहे हो, फिर फास्ट हो जाओ. एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ हॉस्टल ए एंड दैट ऑफ हॉस्टल टू इज डी इज 223. जो हॉस्टल ए और हॉस्टल डी की जो ये हैं गर्ल्स हैं, वो एवरेज कितना है, मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना है, 223. तो कितना एडिशन कितना हो जाएगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू 446, जिसमें से फिर क्या बोला इसने, हाँ कहाँ गया, एंड दैट ऑफ हॉस्टल डी इज एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स एंड ऑफ हॉस्टल ए एंड इज 223. नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल डी इज 98 लेस देन ऑफ बॉयज इन हॉस्टल बी. अब नंबर ऑफ बॉयज हॉस्टल डी में 98 कम है बी से, बी में कितने हैं, बी में कितने हैं, 204 कहां से आ गया, एक मिनट. नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल डी इज 98 लेस देन ऑफ बॉयज इन हॉस्टल बी, तो 2x माइनस बी. ध्यान से देखो, ये जो चीज है 302, ये कितने के बराबर है, ये कंडीशन ये बोल रहा है कि जो लड़के हैं यहां पर, ये 302 लड़के कितने हॉस्टल बी के लड़कों से कितने कम है, 98. तो ये कंडीशन बन रही है, इसको यहाँ कर दो कितना हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 200. अपने को x की वैल्यू मिल गई कितनी, अब सॉल्व कर देंगे हम लोग. तो यहाँ पर कितना लिखूंगा x की जगह में, यहाँ कितना हो जाएगा 400, 200 का 30% 260, यहाँ कितना हो गया 260, यहाँ लिखते ये भी याद रखना. और क्या बाकी रह गया, और यहाँ कुछ रह गया ना बाकी, इसको ओपन करो. गर्ल्स का कुछ कंडीशन दी थी ना, ए और डी का दोनों मिला के कितना है, जिसमें ए की कितनी आ गई, 260, माइनस कर दूं, यहाँ की लड़कियां कितनी आ गई, 186. अब क्वेश्चन करेंगे, पहले तो आप लिख लो इसको.
लिख लिया क्वेश्चन 66 देखो क्या है। क्वेश्चन 66 देखो, टेबल लिख लियो तो 66 को देखो। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन हॉस्टल डी, हॉस्टल डी के लड़के और लड़कियों का डिफरेंस कितना है, बोर्ड पे देखो आप लोग। 302 में से 186 को माइनस करेंगे ना, 116 आ रहा है, तो 116 के बारे में पूछा जा रहा है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन हॉस्टल डी इज व्हाट परसेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बी का, बी का कितना आ रहा है बोर्ड पे देखो। इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है कितना आ रहा है, और बी से फिर बी का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ये 116 पूरा पढ़ देना लाइन। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन हॉस्टल डी व्हाट परसेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन हॉस्टल डी, तो 116 200 का कितना परसेंट है ना, तो 116 अपॉन 200 इनटू 58% आंसर 58 है। अभी कौन सा करना है, अगला बताओ। फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर इन हॉस्टल ए। रुक जाओ, 120 और 260 पूछ रहा है ना, 380 हो रहा है टोटल नंबर, ये 66 था 67, फिर से पढ़ो। Find the difference between total number of boys and girls together. हाँ, difference है क्या, addition है? Difference. तो फिर से पढ़ो। Find the difference between total number of boys and girls together in hostel A. तो 120 में से 160, 260 को हटाना है ना? कितना बन रहा है? नहीं सर, total number of boys and girls. अरे तुम शुरू से question पढ़ो ना। शुरू से पढ़ो। मुझे दिखाओ। Find the difference between total number of, अच्छा दो जगहों का डिफरेंस है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो पहले जोड़ेंगे ना उसको। ये 120 और 260 कितना होगा, ये 380, इसमें इसका डिफरेंस और क्या, एंड ऑन हॉस्टल एंड दैट इन हॉस्टल डी 488। अब 488 में से 380 को माइनस करो कितना, 108 है ऑप्शन, ठीक है। अगला देखेंगे, क्या है क्वेश्चन, ये तो इजी सा है, आप लोग कर लो। ये कौन सा नंबर, 68 आप लोग कर लेना। 69 देखो जरा, 69 देख लो एक बार, आपसे कहा जा रहा है 20-20 लड़के अगर सारे हॉस्टल को छोड़ दें, है ना, तो आप यहाँ से 20 हटाओ तो कितना बनेगा, यहाँ से हटाया तो, यहाँ से और यहाँ से, ये आपसे क्या पूछा है, फिर एवरेज पूछा है, जोड़ दो सबको डिवाइडेड बाय,
समझ में आया? सेवेंटी आप लोग देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए, हॉस्टल ए में बॉयज कितने हैं? 120. और फिर क्या बोला है, हॉस्टल सी की लड़कियां कितनी हैं? 780. कितना हो गया? 900, है ना? 900 हुआ कि नहीं? ये कितना ज्यादा पूछा जा रहा है. बॉयज इन हॉस्टल बी, हॉस्टल बी में बॉयज कितने? 400. तो आपने देखा ये 120 और ये 780 को ऐड किया तो कितना आया? ये कितना ज्यादा है? -400. 500 ज्यादा है ना. क्या पूछा फिर? हाँ, हॉस्टल बी के बच्चों से, लड़कों से कितना ज्यादा है ना? 400. किसका पूछा है? नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल बी इनटू 100, है ना? कितना आएगा? 125% बन रहा है, 125% हो गया. समझ में आया? सो दिस इज इनफ फॉर टुडे. जो रह गया है वो बाद में देखेंगे कभी. आपको ये अप्रोच होनी चाहिए. अप्रोच का भी बहुत सारे चैप्टर आपके हुए नहीं है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर हो गए हैं तो आपको बहुत फास्ट चीजों को करना पड़ेगा. ओके, ये कोई पेपर डिफिकल्ट पेपर नहीं है. अभी आपको समझ में आया? यू कैन डू इजिली. Out of 35 question, easily you can score 30, 31, 29 easily. But practice होनी चाहिए. और आप जब lecture attend करते हो तो उसमें absent मत हो. Math एक ऐसा topic है जहाँ अगर आप consistent नहीं हो तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि एक का link दूसरे में रहता ही रहता है. Okay? Thank you.